तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये मेरा डेट पाम और खजूर का पौधा है जिसे मैंने बीस से घर पे ही तैयार किया है और देखिए कितना ब्यूटीफुल और हेल्दी प्लांट जो है वो मेरा तैयार हो गया है तो इतना बड़ा प्लांट होने में कितना समय लगेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ पूरा अपडेट पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपके साथ मैं शेयर करूँगा तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू योर चैनल माय क्यूट होम गार्डन तो आज मैं आपको डेट पाम और खजूर के जो बीज हैं उनको ग्रो करने का बहुत ही इजी और फास्ट जो तरीका है वो आपके साथ शेयर करूंगा जब आप नॉर्मली इसको गमले में लगाते हैं तो लगभग डेढ़ से दो महीने लग जाते हैं इसको जर्मिनेट होने में लेकिन जो मेथड मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो 25 से 30 दिन के अंदर जो है सीड को जर्मिनेट करवा देगा और कभी कभी तो उससे पहले भी ये जर्मिनेट जो है वो हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है एक एयर टाइट कंटेनर लेना है और उस एयर टाइट कंटेनर में आपको जो है वो कोकोपिट भर लेनी है अगर आपके पास कोकोपिट नहीं है तो आप जो है वो रिवर सेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं उसके अंदर पानी डाल दीजिए बहुत ज़्यादा सौगी ना हो जाए एक बार आप पानी डाल देंगे तो उसके बाद दोबारा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एयर टाइट कंटेनर को मैं ऊपर से बंद कर दूंगा तो मॉइस्चर जो है वो इसके अंदर मेंटेन रहेगा इसीलिए मैंने ऐसा कंटेनर जो लिया है इससे क्या होता है कि जो जर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर इसके अंदर बना रहता है तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो सारे सीड्स हैं एक एक करके इसके अंदर डाल दूंगा और बात याद रखने वाली है कि कभी भी एक सीड को जर्मिनेट मत करवाइए ज़्यादा शेड लगाइए ताकि आप जो वेट कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी आपको मिले और आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो आपकी एक्साइटमेंट जो है वो बिल्कुल भी बेकार ना हो जाए तो कभी कभी होता है कि कुछ शीड बेकार होते हैं बाहर से देखने में पता नहीं चलता अगर आप एक ही शीड लगाएंगे वो बेकार होगा जर्मिनेट नहीं होगा तो आपको बुरा लगेगा आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा उसको जर्मिनेट करने में इसीलिए कहता हूँ कि सात आठ शीड लगा दीजिए जितनी भी रिक्वायरमेंट हमारी होगी ग्रो कर लेंगे राइट right? तो अब मुझे क्या करना है इस ढक्कन को जो है वो बंद करके रखते हैं देखिए इस एयर टाइट कंटेनर को हम कहीं पर भी रख सकते हैं पार्सल शेड में शेड में डायरेक्ट सनलाइट में लेकिन मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि इसको पार्सल शेड में रखें अपने प्लांट्स के बीच में रखें ताकि ज़्यादा ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे ज़्यादा फास्ट जो है वो जिसका जर्मिनेशन हो जाए तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ. तो फ्रेंड्स लगभग लगभग पच्चीस दिन के आसपास का जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और देखिए मुझे कैसे पता चला है कि ये जर्मिनेट हो गए तो मैंने इस कंटेनर को खोल के नहीं देखा है मैंने जो है वो नीचे से इस कंटेनर को देखा तो आपको देखिए कुछ वाइट कलर के जो स्प्राउट्स है वो नज़र आ रहे होंगे तो इससे मुझे पता चल गया कि मेरे जो शेड हैं वो जर्मिनेट हो गए हैं लेकिन आपके ये नज़र ना आए तो आप लगा लीजिए कि 25 से 30 दिन में ये जर्मिनेट जो है वो होना शुरू हो जाते हैं कोकोपिट और रिवर सेंट के अंदर गमले में डायरेक्ट लगाते हैं तो थोड़ा सा समय जो है वो ज़्यादा लग जाता है तो इस कंटेनर को मैं खोल के दिखाता हूँ और हम देखते हैं कि हमने जो शीट डाले थे उसमें से कितने शीट जो है वो जर्मिनेट हुए हैं और कितने शीट जो है वो हमारे जर्मिनेट नहीं हुए तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ ये देखिए तो यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है कि हमारे ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि जो सभी सीड हैं वो जर्मिनेट हो चुके हैं एक आधा बच गया होगा अदरवाइज सारे के सारे जो सीड हैं वो जर्मिनेट हो गए हैं और सभी के अंदर जो है हमारा बहुत ही हेल्थी जर्मिनेशन हुआ है तो जब जर्मिनेशन हो जाए तो ज़ाहिर सी बात है हमें इसको जो है वो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और देखिए आपको बता देता हूँ कि जो खजूर और डेट पाम है आप उसको किसी भी तरह की सॉइल के अंदर लगा सकते हैं लेकिन कोशिश रखें कि गार्डन सॉइल का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें सेंड का इस्तेमाल जो है वो कम करें तो मैं भी यही करने वाला हूँ एक एक करके जो है इसको ट्रांसप्लांट करूँगा देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि प्लांट जो काफ़ी बड़ा होता है तो आप शुरुआत में क्या करिए कि जो भी बड़े से बड़ा कंटेनर आप रख सकते हैं चौदह इंच का सोलह इंच का अट्ठारह इंच का बीस इंच का जितना बड़ा कंटेनर होगा उतनी ही प्लांट की जो ग्रोथ है आपकी वो अच्छी रहेगी तो ये देखिए गमला मैंने तैयार कर लिया है अब मैं क्या करने वाला हूँ ये वाला जो हिस्सा है ना रूट है देखिए रूट और लीव जो वो एक ही जगह से निकलते हैं तो रूट को जो है आप ये रूट इसके अंदर आपको डालेंगे यहीं से लीफ निकलेगा तो ये सोइल जो है वो मेरी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है थोड़ा सा गड्ढा करिए रख दीजिए और उस सोयल बीज को ना कवर कर दीजिए हल्की सी मिट्टी से बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना आपको पास बहुत ऊपर तो से हल्की सी मिट्टी डाल दीजिए ताकि डायरेक्ट सनलाइट से ये थोड़ा सा बचा रहे और जो जर्मिनेशन हो थोड़ा सा जल्दी हो जाए और प्लांट भी हमारा जो डाई होना है का जो चांस है वो कम रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जो जर्मिनेशन है जो वो ख़राब हो सकता है जो स्प्राउटिंग है हमारी ख़राब हो सकती है तो आप इसको अभी भी पार्सल शेड में रख दीजिए पैंतीस डिग्री के तापमान तक अगर पैंतीस से ज़्यादा है तो शेड में रखें पैंतीस से कम है तो डायरेक्ट सनलाइट में रखिए तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ तो फ्रेंड्स ये लगभग जब मैंने इसके अंदर ट्रांसप्लांट किया था तो पंद्रह दिन के बाद मतलब ऑल और फोर्टी डेज़ के अंदर जो स्प्राउटिंग है वो भी शुरू हो चुकी है शीट तो जर्मिनेट पहले हो चुका था शर्म जर्मिनेशन जो है वो भी हमारा शुरू हो चुका है ये देखें ये तो शुरुआत है धीरे धीरे जब प्लांट बड़ा होने लगता है तो बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर आता है बने रहिए वीडियो में एक और अपडेट आपके साथ शेयर करता हूँ और एंड तक शेयर करता रहूंगा तो ये अपडेट है हमारा ढाई से तीन महीने के बाद देखिए ढाई से तीन महीने के बाद क्या होता है कि इसके जो पत्ते हैं वो थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं और एक से ज़्यादा जो लीफ है वो उसके अंदर आ जाते हैं शुरुआत में जब ये जर्मिनेट होता है हमारा डेट पाम और खजूर तो सिर्फ एक ही लीफ आता है इसके अंदर जैसे जैसे बड़ा होता है तो जो लीफ़ है उनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती चली जाती है ये देख सकते हैं तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के साथ तो ये अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये लगभग फोर मंथ के आसपास का अपडेट है और फोर मंथ में क्या होता है कि लीफ का जो शेप है वो सेम है लेकिन जो पत्ते हैं वो थोड़े से वाइडर हो जाते हैं उसके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि जो पत्ते हैं वो काफ़ी वाइड हो जाते हैं ये देखिए वाइड पत्ते और जैसे जैसे बढ़ेंगे तो देखिए जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो पत्ते वाइड होंगे और उसके बाद उसका ओरिजिनल शेप जो है वो पत्तों का आने लगेगा ये अभी इसका ओरिजिनल शेप जो है वो नहीं है ये मैं आपको बता देता हूँ कम से कम छः महीने लगते हैं इसके ओरिजिनल शेप में तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है वो हमारा 10 से 12 महीने के बाद का है आफ्टर 10 और 12 मंथ जो हमारा खजूर का पौधा है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है उसके अंदर जो ट्रू लीफ है वो भी आने लग जाती है और बहुत ही ब्यूटीफुल है लगातार इसके अंदर जो है वो ग्रोथ होती चली जाती है तो एक अपडेट और भी शेयर करूंगा उसमें जो प्लांट है वो काफ़ी हमारा बड़ा हो जाता है तो आप ये देखिए न्यू न्यू ग्रोथ जो है वो उसके अंदर लगातार बनी रहती है ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और एज़ यूजुअली हमें पता है कि जब नर्सरी से हम प्लांट खरीद के लाते हैं उसको भी नॉर्मली हमारे घर के एटमोसफेयर में एडजस्ट होने में और ग्रोथ करने में चार से छः महीने का वक्त लगता है और यहाँ पर भी आपका जो प्लांट है वो चार से छः महीने में तैयार हो जाता है टाइम के साथ इसमें ग्रोथ हो जाती है क्योंकि ग्रोथ इसकी बहुत फास्ट नहीं होती डेजर्ट का प्लांट है तो धीरे धीरे बढ़ता है तो ये जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये जो प्लांट है हमारा देख लीजिए कितना बूशी हो चुका और ये जो है वो डेढ़ से दो साल का है डेढ़ साल के अंदर आपका प्लांट जो है बहुत ही ब्यूटीफुल जो है वो तैयार हो जाता है और जैसे टाइम बढ़ता रहेगा आपका प्लांट लगातार रह, बढ़ता रहेगा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कंटेनर आप जितना बड़ा रखेंगे प्लांट जो है वो उतना ही खूबसूरत लगेगा आपका तो ये आप देख सकते कि मैंने इसको ट्वेल इंच के गमले में लगाता रूट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है बहुत डीप तक जाती है गमले के बाहर से भी जो रूट है वो इसकी निकलने लग जाती हैं ये भी इसकी एक प्रॉब्लम है तो बड़ा कंटेनर रखेंगे तो ग्रोथ जो है वो अच्छी कर जाएगा तो ये डेढ़ साल के अंदर आपका प्लांट जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल तैयार हो जाता है वैसे तो एक साल में होता है लेकिन डेढ़ साल का ये अपडेट जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ डेढ़ साल में अच्छी खासी जो ग्रोथ है वो प्लांट के अंदर आपको नज़र आ जाती है ये देखिए और मुझे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगा है तो डेढ़ साल में आपका प्लांट जो है वो तैयार हो गया तो ये मेरा मैंने आपको दिखाया था एक दस से बारह महीने का अपडेट था एक डेढ़ साल का अपडेट था और दोनों ही प्लांट जो है वो मेरे बहुत ही अच्छे चल रहे हैं ये देखिए तो उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो हम आपके साथ शेयर करते रहे थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो